नोएडा के मार्वल स्टूडियो में इंटरनेशनल जर्नलिज्म सेंटर द्वारा सातवां ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म का शानदार आयोजन किया गया। ICMEI के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम पत्रकारिता के क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं एवं छात्रों के लिए बड़ा ही लाभदायक सिद्ध होगा। 12 फरवरी से 14 फरवरी तक चलने वाले 3 दिवसीय ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म में समाज के बुद्धिजीवी एवं प्रबुद्ध महानुभवों ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कर समाज में व्यापक रूप से मौजूद पत्रकारिता के प्रभाव को लोगों के समक्ष प्रकट किया। दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र फोटोग्राफी एग्जीबिशन रही। कार्यक्रम में आए हुए महानुभवों ने यह कहा कि फोटोग्राफी एक ऐसी विधा है जो स्मृतियों को चित्र के रूप में कैद करके वर्षों तक सजो कर रखती है और उसे हमारे आने वाली पीढ़ियों के समक्ष प्रस्तुत करके उनका मार्गदर्शन करती हैं और उन्हें प्रेरणा भी देती हैं। आपको बता दें कि सभ्यता संस्कृति आदि के बारे में भी परिचित करवाने में सहायक होती है स्टिल फोटोग्राफी। इस कार्यक्रम में बोस्निया हर्जेगोविना के एम्बेसडर माननीय मोहम्मद सेंजिक, एम्बेसी ऑफ चेक रिपब्लिकन के रोमान मस्रेक, अजरबैजान के एम्बेसडर अशरफ सिखालिये, प्रोफेसर के जी सुरेश, साक्षी जोशी, प्रदीप गुप्ता जैसे समाज के प्रबुद्ध व्यक्तित्व भी उपस्थित रहे। ICMEI के लिए बड़ा ही गौरवशाली पल है, क्योंकि इस इंटरनेशनल डे ऑफ जर्नलिज्म पर पोस्टर भी लॉन्च किया गया। मार्वल स्टूडियो के संस्थापक संदीप मार्वा ने कहा कि 7 साल पहले ये फेस्टिवल शुरू हुआ था और आज इतने कम समय में इस मुकाम तक पहुंच चुका है। संदीप मार्वा ने कहा कि स्टिल फोटोग्राफी के बिना फिल्मों का बनना संभव नहीं, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियों में हम स्टिल फोटोग्राफी से मूवमेंट को दर्शाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, इसलिए स्टिल फोटोग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे कदम, आगे कदम, आगे कदम, मित्रों धरो बलिदान के पथ पर कदम, पथ बंद है पीछे अचल और पीठ पर धक्का प्रबल, मत सोच कर ले फैसला, ले बाहों में उत्साह भर, जीवन समर के सैनिकों, संभव असंभव को करो कण कण निमंत्रण दे रहा, आगे कदम, आगे कदम। आगे फिर तालियों में दम नहीं है, ऐसे लग रहा है आधा आधे ताकत घर छोड़ा है। थैंक यू वेरी मच, माय हार्टिएस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द 7th ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म on the most auspicious day, which is called 12th February 2019. 12th February is being declared as International Day of Journalism. 8 years back, when we all joined hands together, more than 20,000 journalists from India, from about 10 to 15 different journalistic organizations sat together and decided, or rather, it was a shocking for us that there is no day of journalism in the books of United Nations. And being ambassador of United Nations to India, and also the patron to IFUNA, the Indian Federation of United Nations Associations, we decided that we must have a day marked for journalism. And it was decided that 12th February should be the right day for International Day of Journalism. It's been 8 years we've been celebrating this beautiful day, and this is the 7th festival which we have marked to give respect to this particular date, to give respect to the field of journalism, to the profession of journalism, and we are happy that today we are opening this beautiful 7th International Festival right in front of your eyes. Thank you very much for your presence. Well, we've always believed that festivals, they bring in a lot of enthusiasm and motivation into your day-to-day affairs, into your life. And probably that is the reason that we take no chance or left no chance to celebrate one or other reason, any or other profession when we are in Marwa Studios. I'm so happy that today we have with us not only the national heroes, but we have with us the international stars sitting on this dais who have all recently, now a minute back, formally inaugurated the 7th Global Festival of Journalism. It's so important to know that journalism plays a very important role in our day-to-day affair. Needless,
to repeat again, but I don't know how many of you know that, that mobile has been playing a very important role today in journalism. Even the broadcasting has been directly now from mobile to the worldwide cinema, to the worldwide television, to the worldwide information centers. 13 years back, we also started a festival called International Festival of Cell Phone Cinema. It was the first ever festival of cell phone cinema on this earth. And we are also celebrating side by side the 12th International Festival of Cell Phone Cinema. And I'm so happy and rather excited to share with you that only last year I was honored by New York University. You know that, so it's a very, very snobbish university. They don't honor much people. But then I'm happy that I was honored as father of cell phone cinema by New York University, the Tisch School of Arts, only because of our deep penetration into the mobile business, into the mobile journalism, into the mobile cinema. And we have amalgamated these two major festivals today, and I'm so happy that you are part of this beautiful history. Aage kadam, aage kadam, aage kadam. Why I've been emphasizing on that move fast, move straight, move straight, move straight. Yes, it's a time for all of you. Things are moving very fast all over the world. The techniques have taken over the human mind. And this festival is also there to remind you that don't get accustomed to the machinery so much. Think before you use your machinery. We are propagating even this quote also today from the same festival. I'm so happy that we have with us such an important people. Without taking much of the time, may I request all my dignitaries present on the dais, on the stage, to please release the poster of International Day of Journalism together. Thank you very much. प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नीरज ठाकुर ने कहा कि मारवा स्टूडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में मील का पत्थर है। आईएएमसी के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर के जी सुरेश ने मारवा की तारीफ करते हुए कहा कि बहुत ही कुशल व्यक्तित्व के धनी हैं और मीडिया के क्षेत्र में इनका जो योगदान है उससे मीडिया जगत को बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। So, how is the Josh? Hi, sir. Great. Always great being back at Asian Academy of Film and Television. Sandeep Marwa saab, my dear friend, and the distinguished members of the diplomatic corps and other friends who are there on the stage, distinguished dignitaries who are off the dais, and dear students. Abhi Neeraj bhai ne jikr kiya Sandeep Marwa saab ke bare mein. Ek aur cheez main batana chahta. I don't know what he eats and drinks. Seriously. ये मुझे ये मालूम है कि अनिल कपूर साहब के रिश्तेदार हैं, लेकिन ये खानदान में कुछ है क्या? मतलब जैसे 3 दशक पहले दिखते थे अब भी वैसे ही है. And he has kept the campus also so young and vibrant because he is the most evergreen media educator. Always a pleasure. He is so full of energy, positive. अगर आदमी सवेरे सवेरे अगर dull mode में हो ना, संदीप साहब को एक बार फोन कर लो या इनसे मुलाकात कर लो या इनका तस्वीर ही देख लो, काफी है, एनर्जी आ जाएगी. सो नाउ इट्स रियली अ प्लेजर टू बी बैक. यहाँ ग्लोबल फेस्टिवल में आई थिंक दिस इज द सेकेंड टाइम आई एम हियर एंड सो फुल ऑफ एनर्जी, सो मच ऑफ वाइब्रेंसी इन दिस कैंपस. यू नो आई कीप ट्रैवलिंग ऑल ओवर द कंट्री टू ऑल कैंपसेस. And I can assure you, this is one of the most vibrant campuses I have visited. You know, yeah, I would like to say. बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज आपने ये रखा है और मैं समझता हूँ कि देखिए अभी बात हो रहा था न्यू मीडिया के बारे में, अब चर्चा चल रही थी. I often say that like you divide history into two parts, BC and AD, before Christ and Anno Domini, I divide media into two parts, BG and AG, before Google and after Google. सीनियर जर्नलिस्ट साक्षी जोशी ने कहा कि जागरूक नागरिक और एक जर्नलिस्ट होने के नाते हमें उन फेक न्यूज के पीछे नहीं पड़ना चाहिए और न ही हमें ऐसे अफवाह फैलाने चाहिए
जिससे समाज में नकारात्मकता का माहौल पैदा हो। Dream of people on the same stage for your 7th Global International Festival and a big round of applause for him first of all. And as he said that, you know, mobile field mein he has entered and he has been rewarded for that. I think that is a big achievement right now. And when we are applauding mobiles and, you know, social media, mainstream media, everything, we also have to think about the kind of penetration that these things have taken into without any regulation. And there is also parallelly fake news that's working on. So, you know, being journalists, we have to be very careful about that we don't fall into the trap of fake journalism. इस कार्यक्रम में शामिल हुए समाज के गणमान्य महानुभवों को उनके सामाजिक योगदान एवं समर्पण के लिए लाइफ मेंबरशिप ऑफ जर्नलिज्म भी दिया गया, जिसमें मोहम्मद सेंजेक, रोमान मसरेक, अशरफ सिखालियव सहित कई अन्य व्यक्तित्व भी शामिल थे। मारवा स्टूडियो आज संपूर्ण भारत में पत्रकारिता क्षेत्र में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है। I would like to congratulate organizer Mr. Marwa and other organizers for all efforts done to organize this 7th Global Festival of Journalism, and I hope it will be officially announced as a World Day of Journalism. I am first time here in this occasion. I am also having some link with to journalism, because before I become diplomat, I was working in journalism for 17 years. So this is partly something that I feel as a part of my my event too. So I wish organizers and all students and young journalists here all the best, and the best in their career and personal life. Why the journalism is very different from the other fields? From the other fields? Yes, sir. But why do you think that the journalism is different? I think everybody can be journalist. It only needs a really good effort and enthusiasm, and to be precise. And if you are precise, if you are really interested in that, so then you can be very good journalist, and it can be any other person who is already doing some other profession. I don't think that journalism is totally different. This film studio Marwa is an excellent place where people are meeting. This is very good networking place. You can meet not only students but also very high dignitaries, and you can feel how intellectual this place is. I like to come here. I am not here for the first time. I would like to come again, because always when I am meeting some people here, I am always getting new friends. I hope this will be also coming today, happening today, and I hope that the friendship which I will gain today will be lasting for a very long time. Okay. It is a privilege to be here. Every time I come to Marwa studio, every time I meet the students, I love being here. I love being here because it is always interesting to see so many young, vibrant, talented people. And you've seen Mr. Marwa. He's very inspiring. And that what I see, that ignition, that passion, I see in you. And that is why it is a privilege to be here. And I'm glad to see and speak at today's event. And I'm glad to speak and address to you as well. So any guidelines to the students for the budding journalists, basically? The journalism is, you journalists, you make the reality. How you see it, it is your personal view. It comes on how you perceive this world. This is, you cannot enforce this on a person. But at the same time, I mean, there is a moral behind the journalism to reflect it in a true way. So basically, I wish you the best in doing what and how you see the world. This is a reflection of your inner yourselves. And through this, you make the neutral facts a reality. Basically, the facts are neutral unless you journalists
reflect them in media. Then they become the factors. They become the factors of importance. They influence the global politics, the global economics. So basically, you are shaping this world. And I wish you the best of success in your career. Worst time, कह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना कि पत्रकार की जिम्मेदारी बन जाती है आज इस टाइम पे, जबकि गलत खबरें, फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चलती है। जितने जिस तरह से लोगों के पास मोबाइल आ गए हैं, हर कोई रिपोर्टर बन गया है, कोई भी इंसिडेंट हो, कैसा भी इंसिडेंट हो, उसके पीछे झूठ सच कुछ भी हो, उसको तुरंत सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। बट बींग अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, ये एक जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि उसकी उसको वेरीफाई करे, और अगर आप भी उसमें बह जाओगे उस गलत खबर में, झूठी खबर में, तो फिर उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज बन रहा है आज, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बिल्कुल, उसके बिल्कुल देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैं अभी इनको बता रहा था कि सोर्स, उस न्यूज़ का सोर्स क्या है। जब तक आप उस सोर्स का पता नहीं चलेगा, तब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो ये वो खबर गलत है या सही है। सोर्स का पता चलते ही पहले तो आप उस सोर्स के बारे में पता करिए, वो सही है या गलत है, वो उसके बंदे की क्रेडिबिलिटी क्या है। जब तक सोर्स की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी ना, पुराने ज़माने में क्या होता था, कोई भी खबरें आती थी तो हर रिपोर्टर के अपने क्रेडिबल सोर्स होते थे, और उनको पता रहता था हमें कहाँ से ये खबर मिल सकती है या कहाँ से हमें पता करना है और कौन वेरीफाई करेगा। आज सोशल मीडिया में जो खबर चलती है उसका कोई सोर्स नहीं होता है, वो कहीं से भी उग के आ जाती है। माना जा सकता है सर कि जो आजकल के पत्रकार में जो मूलभूत गुण होता था अध्ययन का, स्टडी का, वो गायब होता है। बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि जितनी आसान सब चीज़ें हो गई हैं, आप गूगल पे सर्च करते हो और आपको लगता है बस सब वहीं मिल गया, गूगल पे उसी से काम चल जाएगा। अपना रिसर्च वर्क नहीं करता कोई भी, जब तक आप जिस चीज़ जो खबर है उसके बारे में पता करके उनके तह तक नहीं जाओगे, उनके जो सोर्स है या जो विक्टिम है या जो, आप दोनों तरफ की स्टोरीज़ का पता नहीं लगाओगे। हर स्टोरी के दो पहलू होते हैं, आप दोनों का जब तक पता नहीं करोगे तब तक सच्चाई सामने नहीं आती है। आप एक तरफा सुन के कर लोगे तो वो स्टोरी बायस हो जाती है, एक तरफा हो जाती है और वो फेक भी हो जाती है। पहले तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आज 12 फरवरी है और आज इंटरनेशनल डे ऑफ जर्नलिज्म है। 8 साल पहले हम लोगों ने ये तय किया था कि जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना प्रोफेशन है उसके प्रति यूनाइटेड नेशन शायद कोई दिन रखना भूल गया है, तो हमें लगा कि यह हमारी जिम्मेदारी है मीडिया में होने के नाते, और हम लोगों ने 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस डिक्लेयर किया। और मुझे खुशी इस बात की है कि अब धीरे धीरे पिछले इन 8 सालों में देश भर और दुनिया भर में अलग अलग संस्थाएँ पत्रकारिता दिवस 12 तारीख को मनाना शुरू कर दिया है। इसी तारीख को इज्जत मान मर्यादा देने के लिए हम लोगों ने दुनिया का दूसरा और देश का पहला ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म 7 साल पहले शुरू किया। आज 7वां एडिशन है और तांता लगा हुआ है, देश भर से और दुनिया भर से जर्नलिस्ट लोग यहां पर मौजूद हैं। मुझे लगता है ये उनका धर्म बन जाएगा कि आने वाले दिनों में कि 12 तारीख को उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी जर्नलिज्म के फेस्टिवल में माथा टेकना चाहिए। सर, संदीप मारवा जी होके और अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करते हैं, एक ही मंच पे आज कहा जाए तो पूरा विश्व था, 3-3 अंतर्राष्ट्रीय देश और कई बड़े पत्रकार, तो कैसा लगता है सर ये मंच को और सबको एक साथ लाके एक बांध देना, जो आपकी खासियत और आपकी पहचान बन चुकी है? नहीं, ये मेरा धर्म है कि मैं अपने देश को दुनिया के नज़रों में सबसे ऊँचा देखूँ। हम लोग तकरीबन 145 मुल्कों के साथ इस वक्त इंटरेक्शन में हैं, करीब 120 से भी ज़्यादा मुल्कों के स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ने आ चुके हैं, करीब 80 से भी ज़्यादा अम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स हमारे इस संस्थान में विज़िट कर चुके हैं, और तकरीबन 50 से भी ज़्यादा हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय MOU 50 कंट्री के साथ स्थापित कर लिए हैं। हम एकमात्र ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने 196 ज्वाइंट वेंचर शॉर्ट फिल्म और 196 स्कॉलरशिप पूरे दुनिया भर में डिक्लेयर की हैं मीडिया के लिए। नहीं, देखिए, बूंद बूंद से नदी बने और नदी नदी से सागर। जब हम लोग शुरू हुए थे तो लोग हमारी खुद की पहचान नहीं थी, लेकिन मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी कि आप अपने कर्म करते रहिए, आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा अगर आपकी नीयत साफ है। और मैं आज बड़े दावे से कह सकता हूं कि हम लोग बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, हम लोग दुनिया के हर कोने में देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहां लोग मुझे फिल्म मेकर के नाम से जानते हैं,
वहाँ इस फेस्टिवल के ज़रिए लोग मुझे अब जर्नलिस्ट के नाम से भी पहचानने शुरू हो गए हैं। ये एक ऐसा एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसका अपना न्यूज़पेपर, अपना रेडियो स्टेशन, अपना टेलीविज़न स्टेशन, एक न्यूज़ एजेंसी, एक पीआर का सेटअप, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी, सभी कुछ अपना है। एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस, एक टेलीविज़न प्रोडक्शन हाउस, एक डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन हाउस, अपने ऑडियो स्टूडियो, अपने वीडियो स्टूडियो, फिल्म स्टूडियो और अपना रिसर्च सेंटर, और जो कुछ आप बोलेंगे मैं हाँ ही बोलूँगा, क्योंकि हम लोगों ने एक छत के नीचे ऐसी वो तमाम ज़रूरतें और फैसिलिटीज़ महुआ करा दी हैं जो शायद दुनिया के आज किसी भी मीडिया संस्थान में एक साथ नहीं मिल सकती।